अब हम स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चौथे टारगेटेड पहलू को देखते हैं और ये पहलू है स्पेशल एजुकेशन के इदारों और इन इदारों में दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात जैसा कि ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल्स, मसाजिद, लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स और फर्नीचर वगैरह को मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए काबिल रसाई बनाना। इस पहलू का अगर हम पस मंजर देखते हैं तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 47 स्पेशल एजुकेशन के इदारे कायम हैं। इन इदारों में 10 इदारे बसारत से महरूम बच्चों के लिए है। ताहम इन 10 इदारों में सिर्फ 2 इदारे बसारत से महरूम बच्चों के लिए काबिल रसाई है। नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल बराए बसारत से महरूम बच्चे नानकपुरा पेशावर एंड नंबर 2 स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स पेशावर, क्योंकि इन स्कूलों में ब्रेल टाइल्स भी लगाए गए हैं और बसारत से महरूम बच्चों को जो ब्रेल बुक्स है वो भी फराहम की जा रही है। ताहम बाकी जो स्कूल है वो बसारत से महरूम बच्चों के लिए काबिल रसाई नहीं है। इसी तरह कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए 19 स्कूल कायम है। ताहम इन 19 स्कूलों में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए दर दीवार पर साइन लैंग्वेज का मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा जिस्मानी मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए जो 15 स्कूल है वो किसी हद तक काबिल रसाई है, क्योंकि इन स्कूलों में व्हील चेयर को हरकत देने के लिए रैम्प्स भी बनाए गए हैं और 1 या 2 वॉशरूम्स को भी एक्सेसिबल बनाया गया है, यानी इंग्लिश कमोड के साथ। ताहम इन तमाम इदारों में बाकी जो एलाइड फैसिलिटीज है जैसा कि हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, मसाजिद, लाइब्रेरीज, क्लासरूम और फर्नीचर वगैरह मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए मुनासिब तौर पर काबिल रसाई नहीं है। इस पस मंजर के साथ हम इन मकासद का तयन करते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 47 स्पेशल एजुकेशन के इदारों को मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए मुनासिब तौर पर काबिल रसाई बनाएंगे और हम ये भी अहद करते हैं कि हम मुस्तकबिल में जो भी इदारा बनाएंगे तो उन इदारों को मजदूरी के हामिल बच्चों के हक रसाई को मद्देनजर रखते हुए तामीर करेंगे। यानी जिस किस्म और नौइयत की मजदूरी के लिए हम एक स्पेशल एजुकेशन का इदारा तामीर करते हैं तो उसी के मुताबिक उसको काबिल रसाई बनाया जाएगा। मसलन अगर हम बसारत से महरूम बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं तो उन स्कूलों में हम ब्रेल टाइल्स लगाएंगे और हर मौजू पर बसारत से महरूम बच्चों को ब्रेल प्रिंटेड बुक्स फराहम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने साल 2021 में ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया है, इसलिए बसारत से महरूम बच्चों के कुतब का जो मसला था उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। और हम ये पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 47 स्पेशल एजुकेशन इदारों को मॉडिफाई करेंगे और इन इदारों को मजदूरी की किस्म और नौइयत की बुनियाद पर मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए काबिल रसाई बनाएंगे। हम ये भी अहद करते हैं कि हम मुस्तकबिल में जो भी स्पेशल एजुकेशन का इदारा बनाएंगे तो जिस मजदूरी के लिए हम वो इदारा कायम कर रहे हैं उसी मजदूरी के किस्म और नौइयत की बुनियाद पर हम उन इदारों को भी काबिल रसाई बनाएंगे। ना सिर्फ इदारों को काबिल रसाई बनाएंगे बल्कि इदारों में दी जाने वाली तमाम सहूलियात को भी मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए काबिल रसाई बनाया जाएगा। और इसके लिए जो हिकमत अमली या स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे वो बहुत ही सिंपल है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा सोशल वेलफेयर स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करेगा और उस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा जो 47 स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं और इन इदारों में जो सहूलियात दी जा रही है जैसा कि हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, मसाजिद, लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स और फर्नीचर वगैरह, तो उन सब को मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए काबिल रसाई बनाया जाएगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा 10 से 20 साल के अरसे के पर मुहित एक प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी करेगा और उस मनसूबाबंदी के तहत पूरे सूबे में स्पेशल एजुकेशन के इदारों का एक जाल बिछाया जाएगा। ताहम जो भी इदारे बनाए जाएंगे तो उन इदारों को और उन इदारों में दी जाने वाली सहूलियात को मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए मुनासिब तौर पर काबिल रसाई बनाया जाएगा, ताकि जो लर्निंग एनवायरनमेंट हो यानी सीखने का माहौल हो वो मजदूरी के हामिल बच्चों के लिए दोस्ताना हो, मुवाफिक हो और वो अपनी लर्निंग पोटेंशियल की बुनियाद पर बेहतरीन अंदाज में स्पेशल एजुकेशन
हासिल कर सके। तो उम्मीद है डियर व्यूअर आप स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चौथे टारगेटेड पहलू के बारे में जान गए होंगे। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम स्पेशल एजुकेशन के मजीद टारगेटेड पहलू को एक एक करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।